comply with requirements and expectations of the customer, maintaining the quality of work during the execution phase is of utmost importance. Here we have a specific set of guidelines to ensure that we do not miss out even on minute details. हमारी एक important brand promise है on time delivery. On time delivery को fulfill करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे process and procedure बनाए हैं, जिसमें एक main procedure है हमारा construction sequence. किसी भी चीज़ को start या execute करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो quality है. और to ensure this, we have well equipped lab at site and we choose and buy material according to Ashiana norms. कंस्ट्रक्शन साइट पे सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. एक क्लीन साइट वर्कर्स को क्लियर स्पेस प्रोवाइड करता है, जिससे उन्हें काम करने में आसानी होती है और उनकी इफ़िशेंसी भी इम्प्रूव होती है. आशियाना में सुरक्षा हमारी प्रथम प्राथमिकता है. हम हमारे काम की शुरुआत सेफ्टी प्लेज से करते हैं. हमारे यहाँ पर जो भी नई लेबर काम करने के लिए आती है, पहले वो सेफ्टी इंडक्शन से होके ही गुजरती है और उसके बाद वो अपने काम पर जाती है. घर खरीदना किसी भी आदमी का एक सपना होता है और उसको खरीदने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा देता है. और उसकी इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन में कहीं पे भी हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं. किसी भी कस्टमर को यूनिट टाइमली हैंड ओवर करना वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और उस टाइमली कम्प्लीशन के लिए हम एक कम्प्रहेंसिव प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को फिर टाइमली एग्जीक्यूट करते हैं. We develop and prepare a proper environmental management plan for the construction and operation phases of the project to control our natural resources and preserve our natural resources. We do development but in a sustainable way. हमारी कंपनी ने खुद को अपडेट रखने के लिए सुपरवाइजर हैं, इंजीनियर हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया. Today I want to thank all my engineers at Ashiana for the kind of effort they put in to deliver a high value product to our customers. Thank you friends, thank you guys, thank you for being there for me.